तो है पास के निशान ये। वाह क्या हवा चल रही है, चीर देता हूँ। तो फ्रेंड्स बीआरओ जिंदाबाद, पिछले साल ये बोर्ड नहीं था, ये रोड इतना चकाचक नहीं था जो सामने जा रही है। ये जाएगी सिंकोला होके पादुम होके कारगिल, जो कारगिल का डिस्टेंस है। यहाँ से अगर मनाली से जाना चाहो तो बहुत शॉर्ट होता है इस रूट से। और फ्रेंड्स ये ऊपर वाले जो रोड ये घूम के जा रही है ना, ये जा रही है लेह लद्दाख। तो ये ऑल्टरनेटिव रूट जो होगा कारगिल के लिए, बट इससे अब लेह अभी नहीं जा सकते गाड़ी में, क्योंकि जांस्कर का रोड अभी बना नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ से पहला गाँव आता है छिक्का और रारिक, पास पास ही है। मैं इतना इसलिए बता पा रहा हूँ कि ऑलरेडी मैं 5-6 बार इस जगह पे आ चुका हूँ इससे पहले। तो यहाँ पे देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है, छिक्का 10 किलोमीटर, सरचू 75 ऊपर की तरफ। तो मैं यहाँ नीचे से आया, तो नेक्स्ट टाइम आप कभी आओ तो ये वैली भी एक्सप्लोर करना। और इस वैली के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ग्लेशियर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, रोड के बारे में चाहिए, तो कमेंट में बताओ। मुझे लगता है मैं मतलब ठीक ठाक बता पाऊँगा आपको। तो फ्रेंड्स वेलकम टू दिस न्यू वैली एंड द सिंकोला, बीआरओ जिंदाबाद। थैंक यू बीआरओ। फ्रेंड्स वेलकम टू पलामू, इस जगह के नाम है पलामू। और यहाँ पे ये जो नदी नीचे से जा रही है जानकर छू, वाव क्या नज़ारा है फ्रेंड। क्या आपको टेम्पटेशन नहीं हो रहा है, जलस नहीं हो रहे हो, बस यहाँ पे आना है देखना है। फ्रेंड्स आ जाओ, निकल जाओ मेरी तरह अकेला। आज 18वां दिन है मेरा, 18th डे है, अकेला घूम रहा हूँ मैं बुलेट में। और आपने जियोग्राफी में सुना होगा गॉर्ज, आपको ये लग रहा होगा ये लड़का पागल हो गया, बट पागल नहीं हूँ एक्चुअली, जियोग्राफी पढ़ रहा हूँ ना, तो थोड़ा आपको भी दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये गॉर्ज में रिवर ये नीचे से जा रही है, हाँ ब्रिज के पास ले जाता हूँ आपको। ओ फ्रेंड्स ये रहा गॉर्ज, ओ भाई साहब दिख रहा है आपको रिवर कहाँ से जा रही है। मुझे डर लग रहा है मेरा फोन ना गिर जाए। फ्रेंड्स ये देखो नदी, फ्रेंड्स बहुत मस्त है, बहुत बढ़िया है। ओ भैया नीचे देखने से डर लग रहा है, कहाँ से यार गिर जाए मेरा। पलामू का मीनिंग है, मैं आपको कैसे बताऊं, बट आगे लिखा हुआ मंदिर में मैं आपको दिखाऊंगा। सर्व साधारण तथा पलदन लमो, अच्छा ये इसका है पलदन लमो लखंग में आने का। फ्रेंड्स आप पढ़ लो यार, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, इंग्लिश भी अच्छा नहीं है। तो यह है मंदिर और आगे एक मंदिर है, मैं वहाँ पर भी आपको दिखाऊंगा। इट्स ऑसम फ्रेंड, उस पत्थर में जाने का मुझे डर लग रहा है, बट मैं यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ। फ्रेंड्स आप देखो रिवर कहाँ से जा रही है। वेलकम टू चांस का सुंदो, और ये मेरा आई थिंक 9th टाइम मैं इधर आ रहा हूँ। क्या इम्प्रूवमेंट हुआ एक साल में मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने इधर से मैं आया हूँ, और पिछले साल जो आया था ग्रुप के साथ उधर कैंप लगाया था हमने। और ये हेलीपैड न्यू एडिशन, हेलीपैड एट जांस का सुंदो, वाव। फ्रेंड्स मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ से पता कहाँ जाना है, वो दिख रहे रोड। हाय अल्लाह ये भगवान, कहाँ से जाना 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 घूम के, मैं नहीं जाऊँगा। हे अल्लाह
कहाँ से रोड है, चला दूँ, गीला हो गया तो आपकी कसम फ्रेंड्स, धन्नों की कसम। कौन सा पानी कम था, बच गया। फाइनली फ्रेंड्स, सिंगुलर डॉग सोलो बुलेट राइड। ओ भाई साहब, ये सही आया कि गलत आया? मैं फ्रेंड्स में गलत आ गया, यहाँ से नहीं जा पाऊंगा, उधर से जाना पड़ेगा। वो रोड निकले सिट। आओ कहाँ से जाऊँ, फिर उस चोटी में जाना है तो चल, धन्नो है साथ में, मजे से चल। सब दोनों पैर गिला हो गया, धन्नो रुकना नहीं है, प्लीज प्लीज, गिला हो गया मैं, कोई बात नहीं, थोड़ा और। और कुछ नहीं है यार, इतना ही है, इतना ही करना था। फ्रेंड्स, वेलकम टू सिनकुला पास। पूरा बर्फ हो गया, पैर वैर सब जम गया। फाइनली आई डिड इट, पता मैं कहाँ पहुंचा हूँ, अकेला आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, वेलकम टू सिनकुला पास, 16,580 फीट सोलो हिमालयन एडवेंचर सोलो राइड ऑफ़ डेस्टिनेशन। स्वभाव और फ्रेंड, ये नीचे रोड जा रहे हैं पादुम के लिए, आई थिंक इस पास के उस पर जानकर है, और मैं आया इस साइड से हो घूम के, और ये लेक देखो क्या मस्त, क्या हवा चल रही है, और आते रहे रास्ते में मुझे इतना आवाज निकल रही, इतना ठंडा है, इतना पानी मिला कि मेरा जूता जो है टोटल जूते के अंदर पानी चला गया, अब लग रहा है बर्फ जम गया है। हे भगवान, हवा भी इतना ठंडी चल रही है। तो फ्रेंड्स, आई डिड इट फ्रेंड, सिनकुला पास फाइनली। पिछले 4 साल से मैं सोच रहा था, तो इस बार मैं बुलेट लेके आ ही गया। अरे भाई यार, क्या हार्ड हो रखा है। ओ क्या बोले, ई ई ए ई ई ई एस ई आई एन ए ई आई ओ एन एस डेस्टिनेशन। फ्रेंड्स, आपने सुना ऑफबीट डेस्टिनेशंस, यूट्यूब का चैनल है मेरा, और आपके लिए मैं 5,526 मीटर सिनकुला पास आके ये लिख के जा रहा हूँ। प्लीज आप सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, और अगर वीडियो को क्या चैनल अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना। और फ्रेंड्स, सिनकुला पास जरूर आना, एक बार मजा आ जाएगा।